हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्षय पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन इंग्लिश ऑन। टुडे दिस सेशन इज़ ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आप हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ये आपने अपने प्यार और सहयोग से बता दिया है हमें। आज फिर से हम एक सेशन ले रहे हैं, स्पेशल एडजेक्टिव्स पर बेस्ड है। जैसे आप देख रहे हैं, नाउन के नीचे लव लिखा है, इसके एडजेक्टिव देखेंगे। आपको इस सेशन से फ़ायदा क्या होता है, इस बात को पहले हम समझ लें। एक तो आप वर्ड्स के फ्लेवर समझते हैं, वर्ड्स की आप आइडेंटिटी देखते हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझते हैं कि ये वर्ड नाउन है और इस वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप करेक्ट प्रोनंसिएशन समझते हैं हमारे साथ, करेक्ट प्रोनंसिएशन, ओके। तो उच्चारण शैली भी आपकी ठीक होती है और आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस वर्ड को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे और इस वर्ड को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हमें आने ही चाहिए। इसी से हमारे पास वैरायटी आती है, हमारे थॉट्स में वैरायटीज आती हैं, हमारे थॉट्स में स्टाइल्स आती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी एग्जामिनेशन में आपको इससे मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। नाउन है हमारा लव, लव का एडजेक्टिव क्या होगा? लव का एडजेक्टिव होता है amorous, और इसका प्रोनंसिएशन है amorous, amorous नहीं, amorous नहीं, amorous नहीं, ऐसा कुछ नहीं, amorous, लव amorous, amorous means related to love and especially related to sexual desire, okay? कामुकता पूर्ण, दैट इज कॉल्ड amorous। नेक्स्ट वर्ड है मनी, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं और इसके हम एडजेक्टिव देखते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी, ओके, मॉनेटरी। और नेक्स्ट वर्ड इज मून, रात का चांद, चांद सा चेहरा। तो मून का एडजेक्टिव क्या होता है? आपने सन का एडजेक्टिव देखा था पिछले वीडियो में, सोलर, सोलर एनर्जी, सोलर पावर, सोलर सिस्टम, SOLAR। लाइक वॉइस वी हैव लूनर, LUNAR, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स की स्पेलिंग है ECLIPSE, एक्लिप्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मर्चेंट, मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट, एंड इट्स एडजेक्टिवल फॉर्म इज MERCAN। अब ध्यान रखें, सी के बाद आपको एच नहीं लिखना है, मर्चेंट, मर्केंटाइल, MERCANTILE। इवन आप स्पेलिंग भी लगाना ठीक से सीखें, ओके, स्पेलिंग की यही तहजीब होनी चाहिए, MERCA, ऐसा अगर पढ़ेंगे तो गलत है। अब देखें, एन हमने छोड़ दिया CA के बाद, तो कैसे पढ़ें आखिर, MERCANTILE। वावल और कॉन्सनेंट लेटर को आप लेते हुए पढ़ें, ओके। अगर सी के बाद ए आता है और ए के बाद आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सनेंट छूट रहा है, तो आप उस कॉन्सनेंट को लेकर पढ़ें, ओके। और अगर कॉन्सनेंट आ रहा है, उसके बाद वाउल आ रहा है, फिर कॉन्सनेंट, फिर वाउल, तो दो दो लेटर के सेट में पढ़ें। दिस इज़ द स्टाइल ऑफ स्पेलिंग, ओके। सो मर्चेंट, मर्केंटाइल या मकंटाइल, आर बोल भी सकते हैं, आर नहीं भी बोल सकते, आर बोलेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश होगी, आर नहीं बोलेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश होगी, ब्रिटिश स्टाइल होगी, ब्रिटिश एक्सेंट होगा, एक्सेंट मीन्स बोलने का तरीका, ओके। सो मर्चेंट मीन्स व्यापारी, मर्केंटाइल मीन्स व्यापारिक, वाणिज्यिक, वाणिज्य से संबंधित, वाणिज्य, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज काउवर्ड, COW, इसको काउ नहीं पढ़ते, काऊ पढ़ते, काऊ, इसी से वर्ड बनता है काउवर्ड। Coward means डरपोक, और इससे adjective बनता है cowardly,
ओके कावर्डली, माफ़ कीजिएगा, डी आई नहीं होना चाहिए, डी एल वाई डायरेक्टली, ओके कावर्डली टाइप हो गया था, सी ओ डब्ल्यू ए आर डी एल वाई। आपको लगेगा कि कावर्ड ये तो नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव कावर्डली कैसे हो गया, जबकि एडवर्ब में हम अक्सर एल वाई देखते हैं, ब्यूटिफुली, गॉर्जियसली, ओके इस तरह से। लेकिन नहीं, आप गौर करें कि नाउन में हमने एल वाई लगाया है, तो नाउन में जब एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाएंगे तब एडवर्ब बनेगा। ओके दिस इज़ द टेक्निकलिटी, सो बी माइंडफुल। मज़ा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है, और आप इसी तरह से सीखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो उत्साह हमारा बढ़ता है और हम आप ही के लिए तो काम करते हैं। आइए, नेक्स्ट वर्ड है कैट, बहुत प्यारा सा शब्द, कैट छोटी सी बिल्ली है। कैट का एडजेक्टिव क्या होगा, शब्द बहुत आसान है लेकिन हम इसके एडजेक्टिव नहीं जानते, क्योंकि ये अनकॉमन सा एडजेक्टिव है, एंड इट्स प्रोनंसिएशन इज फिलाइन। ओके फिलाइन, एफ ई एल आई एन ई, कैट फिलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज सिटी, हम लोग सिटी में रहते, शहर में रहते, तो शहरी। ओके हिंदी अगर देखें तो एडजेक्टिव शहरी का क्या होगा, शहरी की इंग्लिश क्या होगी, यानी सिटी का एडजेक्टिवल फॉर्म क्या होगा, बहुत अच्छे से जानते, यस दैट इज अर्बन, अर्बन, ओके फैंटास्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज मींस नेक्स्ट नाउन इज, दैट इज सी ए एल ए एम आई टी वाई, एंड इट्स प्रोनंसिएशन इज कलैमिटी, कलैमिटी, ओके कलैमिटी, गुड। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, आसान है, सी ए एल ए एम आई टी ओ यू एस, स्पेलिंग लगाना सीखा आपने, कलैमिटस, कलैमिटी, कलैमिटस, कलैमिटी, कलैमिटस, फैंटास्टिक, यू आर डूइंग ऑसम। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कल, सर्कल, एंड इट्स यस सर्क्यूलर, फैंटास्टिक, आप तो जानते हैं इसका, इट्स एडजेक्टिव इज सर्क्यूलर, ओके सर्क्यूलर लाइक दिस, सर्कल सर्क्यूलर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कॉलेज, इसका शुद्ध प्रोनंसिएशन है कॉलेज, ल के बाद ई साउंड बोलना है, कॉलेज, ल के बाद ई साउंड बोलना है, कॉलेज, एंड इट्स एडजेक्टिव इज, मैं इसे जरा जगह पर ले आऊँ, इट्स एडजेक्टिव इज कॉलेजिएट, सी ओ एल एल ई जी आई ए टी ई, कॉलेजिएट, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज आर नोज, एन ओ एस ए नोज, एंड इट्स एडजेक्टिव इज नेजल, एन ए एस ए एल, नाक से संबंधित, हम कहते हैं ना नेजल प्रॉब्लम हो गया है, मींस नाक में समस्या हो गई है, नेजल ड्रॉप, नाक में देने वाला ड्रॉप, जब नाक आपकी थोड़ी ख़राब होने लगती है तो हम नेजल ड्रॉप डालते हैं। ओके तो ड्रॉप नाउन है, नाउन से पहले हमने नेजल वर्ड यूज़ किया, नेजल बताता है हमें रिलेटेड टू नोज़, हमने बात की थी कि वर्ड के अंत में ए एल लगा हो अगर, और वो वर्ड अगर एडजेक्टिव हो तो इसकी मीनिंग ऐसे लिखनी चाहिए, रिलेटेड टू समथिंग, नेशनल रिलेटेड टू नेशन, नेजल रिलेटेड टू नोज, नॉक्टर्नल रिलेटेड टू नाइट। ओके चलिए हम नाइट का भी एडजेक्टिव बना ही लेते हैं आज, नाइट, एंड इट्स एडजेक्टिव इज, इट्स एडजेक्टिव इज वेरी स्पेशल, दिस इज नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल, एन ओ सी टी यू आर एन ए एल, नॉक्टर्नल। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, दिस इज ओशन, ओ सी ई ए एन,
OCEAN, ocean. And its adjective is quite simple but somehow special, that is oceanic. Okay, OCEANIC, oceanic. और ध्यान रहे तालव्य श पढ़ें आप, ओशन पढ़ना चाहिए तालव्य श, ओके, और ओशनिक पढ़ना चाहिए तालव्य श. आप जानते हैं ना ओशन, ऐसे ही तो ज्वार और भाटे आते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड. ओके, आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन. आई नीड योर ग्रेट सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प. आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छे सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें कि मैं आपके लिए अगला कौन सा वीडियो बनाऊं, किस चीज़ किस टॉपिक पर आपको क्या सीखनी है, किस पर डिस्कस करना है हमें. प्लीज़ इट्स योर फैमिली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी. वेलकम ऑन इंग्लिश.